अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वीडियो में लवबर्ड की तमाम नस्लों का छोटा सा तारफ और पालतू नस्लों को घरों में पालने और उनसे अच्छी ब्रीड लेने का मुकम्मल तरीका बताया गया है। लवबर्ड की तमाम नस्लें अफ्रीकी बरेआज़म से ताल्लुक रखती हैं। यह सख्त जान परिंदा है और बहुत कम बीमार होता है। लवबर्ड यानी प्यार और मोहब्बत वाला परिंदा, इनका ये नाम अपने जीवन साथी के साथ हमेशा प्यार और मोहब्बत से वक्त गुजारने की वजह से रखा गया। जंगलों में कुदरती तौर पर ये छोटे छोटे झुंड बनाकर रहते हैं। इनका ब्रीडिंग सीजन सितंबर से लेकर अप्रैल तक होता है। एक क्लच में अंडे देने की एवरेज 4 से 6 तक होती है। क्रॉसिंग के एक हफ्ते बाद फीमेल अंडे देना शुरू करती है। एक दिन छोड़कर अगले दिन फीमेल दोबारा अंडा देती है। इसी तरह तकरीबन 21 दिन बाद अंडों में से बच्चे भी एक दिन के वक्फे से निकलते हैं। बच्चे 35 से 40 दिन बाद बड़े होकर मटकी या बॉक्स से बाहर निकल आते हैं। जिनसी एतबार से लवबर्ड 9 नस्लों में पाए जाते हैं, जिनमें से 3 नस्लें रोजी फेस यानी पीच फेस, ब्लैक मास्क्ड यानी पर्सनाटा और फिशरी नस्ल के लवबर्ड। इन 3 नस्लों की देखभाल करना दूसरे लवबर्ड की निस्बत आसान होता है और ये इंसानी माहौल में आसानी से एडजस्ट हो जाते हैं। इन प्रजातियों को मुख्तलिफ रंगों में देखा जा सकता है, लेकिन जंगलों में इन नस्लों का कुदरती तौर पर एक मखसूस रंग है। जंगलों में ये बीज, फल, सब्जियां और घास वगैरह खाते हैं। बाकी 6 नस्लों के लवबर्ड में से कुछ बहुत नायाब हैं और कुछ दाना पानी और फलों के साथ साथ कीड़े मकौड़े भी खाते हैं और अपने मखसूस पसंदीदा कुदरती माहौल में रहना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से उनसे ब्रीड लेना मुश्किल होता है। अब बात करते हैं लवबर्ड की तमाम नस्लों के बारे में। नंबर 1, रोजी कोली या पीच फेस लवबर्ड। इनके चेहरे और गले का रंग आड़ू की तरह गुलाबी होता है। ये नॉन रिंगाई बर्ड होते हैं, यानी इनकी आंखों के गिर्द सफेद हल्के नहीं होते। नंबर 2, ब्लैक मास्क या पर्सनाटा लवबर्ड। नंबर 3, फिशर लवबर्ड। फिशरी नस्ल की मुख्तलिफ म्यूटेशन के लवबर्ड अपने खूबसूरत रंगों की वजह से पूरी दुनिया में मकबूल हैं। नंबर 4, न्यासा या लिलियन लवबर्ड। नंबर 5, ब्लैक चिक या निगर जीनियस लवबर्ड। नंबर 6, मडगास्कर या ग्रे हेडेड लवबर्ड। साइज में ये लवबर्ड की तमाम नस्लों से छोटा परिंदा है। नंबर 7, अबिसिनियन या ब्लैक विंग लवबर्ड। लवबर्ड की नस्लों में ये सबसे बड़े साइज का परिंदा है। नंबर 8, रेड फेस या रेड हेडेड लवबर्ड। कुदरती तौर पर अफ्रीका में सबसे ज्यादा तादाद रेड फेस लवबर्ड की है। नंबर 9, ब्लैक कलर लवबर्ड। ये नस्ल बहुत नायाब है और दुनिया से तकरीबन खत्म होती जा रही है। ये तो था लवबर्ड की नस्लों का छोटा सा तारफ। अब बात करते हैं इनको घरों में पालकर कारोबार करने की। लवबर्ड के कारोबार करने का आसान सा फार्मूला है। सस्ते और महंगे लवबर्ड एक जितनी और एक जैसी खुराक खाते हैं। हिफाजत भी दोनों की एक जैसी करना पड़ती है। अगर आप 4-5 हजार वाला लवबर्ड रखेंगे तो उसके बच्चे भी 4-5 हजार में फरोख्त होंगे, और अगर आप 40-50 हजार वाला लवबर्ड रखेंगे तो उसके बच्चे भी 40-50 हजार में फरोख्त होंगे। ये आपने तय करना है कि खुराक पर 1 हजार खर्च करके 5 हजार कमाना है या 50 हजार। रोजी कोली या रोजी फेस की इस वक्त मार्केट में डिमांड बहुत कम है। अगर आप महंगे लवबर्ड के बच्चे फोस्टर करके पलवाना चाहते हैं तो रोजी फेस सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। रोजी फेस 4 से लेकर 8 बच्चे आसानी से पाल लेता है। ब्लैक मास्क पर्सनाटा फैमिली के लवबर्ड हैं। इनकी कीमत रोजी कोली से थोड़ी ज्यादा होती है। इनकी भी इस वक्त मार्केट में डिमांड बहुत कम है। जबकि इन दोनों नस्लों की निस्बत फिशरी नस्ल की म्यूटेशन की पुरकशिश और खूबसूरत रंगों की वजह से इस वक्त मार्केट में बहुत डिमांड है। लोग फिशर की अच्छी म्यूटेशन से महीने का लाखों कमा रहे हैं। अगर आपके पास लवबर्ड को पालने का तजर्बा नहीं तो किसी से ब्रीडर पेयर हरगिज ना लें। पहले ग्रीन फिशर, रोजी कोली या ब्लैक मास्क, इन तीनों में से किसी भी नस्ल के 2 से 3 मेल फीमेल कन्फर्म पट्टों के पेयर लेकर स्टार्ट करें। ये सस्ते परिंदे हैं। अल्लाह ना करे अगर कोई परिंदा ना तजर्बा करी की वजह से एक्सपायर हो भी जाए तो आपको शुरू में ज्यादा नुकसान ना हो। जब आपको तजर्बा हो जाए तो आप अच्छी म्यूटेशन के पेयर रखें। जो आपके पास सस्ते पेयर हो उनको आप फोस्टर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। परिंदों का कारोबार करने के लिए कम से कम 10 से 20 जोड़ लेकर कारोबार स्टार्ट करें। अगर आप 2-3 पेयर से कारोबार स्टार्ट करने का सोचेंगे तो हो सकता है आपको सेटअप बनाने और कमाई करने में बहुत वक्त लगे। लवबर्ड का कारोबार करने से पहले ये बात जहन में रखें, ये बज्जी, जावा, फिंच की तरह नहीं जिनका आपने सुबह सुबह दाना पानी तब्दील किया फिर नौकरी पर चले गए, या 2-3 दिन का दाना पानी केज में रख के रिश्तेदारों से मिलने चले गए। आपको इन्हें प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। सर्दी और गर्मी के मौसम में टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपका सेटअप छत पर है या ऐसी जगह है जहां टेम्परेचर 30 से 40 तक है तो आप गर्मी को बर्दाश्त करने वाले परिंदे रखें। जेबरा फिंच की कॉलोनी बना लें या फिर डव की महंगी म्यूटेशन में पाई डव का सेटअप लगा लें। मेरा मशवरा है कि लवबर्ड के साथ साथ जावा, फिंच, डव भी रखें जिनको आप लवबर्ड का चूरा किया हुआ बचा कुचा दाना खिला सकते हैं। आपका दाना वेस्ट नहीं होगा। नेस्टिंग मटेरियल के लिए सबसे बेहतरीन इस तरह की घास है। ये आपको वर्ल्ड मार्केट से तकरीबन 150-200 रुपए किलो के हिसाब से मिलेगी। 1 किलो नेस्टिंग मटेरियल लवबर्ड के 10 पेयर के लिए काफी है। घास को दरमियान से काटकर 2 हिस्सों में तकसीम कर लें। घास की लंबाई कम से कम 8 से 10 इंच तक हो। इसके अलावा रंग रोगन वाली शाप से कली यानी चूना करने वाली कूची लेकर उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी इसी घास की बनी हुई होती है। अगर आप देहात में रहते हैं तो किसी नदी नाले के किनारे फूल झाड़ू वाली घास मिल जाए तो उसे भी खुश करके इस्तेमाल कर सकते हैं।
काटने वाली घास इस्तेमाल ना करें, वो नुकसानदेह होती है। अगर आपको ये भी ना मिले तो आप किसी खेत वगैरह से लंबी लंबी इस तरह की घास ले लें, घास को अच्छी तरह धोकर धूप में रखे खुश करके इस्तेमाल कर लें। अगर घास भी ना मिले तो चावल वाली पराली धोकर खुश करके 8 या 10 इंच तक लंबा काट लें और इस्तेमाल कर लें। अगर आपको ये भी ना मिले तो लूसर को खुश करके इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नारियल का छिलका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल के छिलके को कूट कर नरम कर लें, फिर हाथ से इस तरह तिनका तिनका करके पानी से अच्छी तरह धोकर धूप में रख के खुश करके इस्तेमाल कर लें। बॉक्स हो या मटकी, लबड़ दोनों में अच्छी ब्रीड करते हैं। लबड़ घोंसला बनाकर ब्रीड करते हैं, इसलिए मटकी या बॉक्स का साइज बढ़ा लें। बॉक्स लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में कम से कम 10x10 इंच का हो। बॉक्स आप लंबाई के रूप भी ले सकते हैं और चौड़ाई के रूप भी ले सकते हैं, जैसा आपको बेहतर लगे इस्तेमाल कर लें। कोशिश करें बॉक्स शीशम या कीकर की सख्त किस्म की लकड़ी का बना हो, ताकि लबड़ बॉक्स कुतर कर खराब ना करें। बॉक्स में थोड़ा सा कोपेक्स पाउडर छिड़कर नेस्टिंग मटेरियल बॉक्स के चारों तरफ और नीचे इस तरह रखें कि मटकी या बॉक्स का पैंदा नीचे से खाली ना रहे, वरना अंडे सर्दी लगने की वजह से खराब हो सकते हैं। अगर मटकी इस्तेमाल करना है तो बड़े सुराख वाली मटकी लें या खुद किसी चीज से सुराख बड़ा कर लें, ताकि लबड़ नेस्टिंग मटेरियल आसानी से मटकी में ले जा सके। मटकी में भी कोपेक्स पाउडर छिड़कर इस तरह नेस्टिंग कर दें। मटकी या बॉक्स में थोड़ी सी घास इसलिए रखते हैं ताकि लबड़ जल्द घोंसला बनाकर ब्रीड शुरू कर दें। थोड़ा सा नेस्टिंग मटेरियल केज के अंदर रख दें, ताकि बाकी घोंसले की सेटिंग लबड़ अपनी मर्जी से कर सकें। नेस्टिंग मटेरियल के अलावा बाजार से कुल्फी में इस्तेमाल होने वाली नरम स्टिक या फिर पॉपुलर दरख्त की ब्रीक खुश्क टहनियां मिल जाएं तो वो भी केज में रख दिया करें। इससे लबड़ का लकड़ी कुतरने का शौक भी पूरा होता है और इसको चूरा करके लबड़ घोंसले के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। एक बात का हमेशा ख्याल रखें, लबड़ के 10 माह से कम उम्र बच्चों को बॉक्स या मटकी हर किसी ना लगा कर दें। अगर लबड़ कम उम्र में ब्रीड करेंगे तो एक्सपायर हो सकते हैं, इसलिए बॉक्स या मटकी केज में उस वक्त लगाएं जब ब्रीडिंग सीजन शुरू हो और उम्र 10 माह से ज्यादा हो। लबड़ को केज भी केज रखें तो अच्छी ब्रीड करते हैं। अगर बॉक्स केज के बाहर लगाना है तो कोशिश करें केज की ऊंचाई और चौड़ाई कम से कम 1.5 फुट हो और लंबाई 2 फुट हो। अगर बॉक्स को केज के अंदर लगाना है तो केज की ऊंचाई और चौड़ाई 1.5x1.5 फुट और लंबाई 2.5 फुट हो। परिंदा कोई भी हो, बड़े केज में रखें। परिंदा जितनी फ्लाइट करेगा उसकी सेहत अच्छी रहेगी और ब्रीड भी अच्छी करेगा। केज ऐसा लें जिसकी ट्रे ऐसे नीचे हो, ताकि लबड़ की बीठे और गंदगी ट्रे के नीचे चली जाए और लबड़ बीठे और गंदी चीजें खाकर बीमार ना हो। लबड़ के लिए केज या कॉलोनी में स्टिक हमेशा कीकर या सख्त किस्म की लकड़ी की लगाएं। लकड़ी की स्टिक लगाने से लबड़ के पाँव में किसी किस्म का इन्फेक्शन नहीं होता। एक स्टिक बॉक्स या मटकी के करीब लगाएं, ताकि लबड़ मटकी या बॉक्स के अंदर आसानी से जा सके। दूसरी स्टिक थोड़े फासले पर नीचे की तरफ लगाएं, ताकि लबड़ नीचे से ऊपर वाली स्टिक पर उड़कर जा सके। अगर बॉक्स को केज के अंदर लगाना है तो बॉक्स को केज के बिल्कुल दरमियान में लगाएं, क्योंकि लबड़ बज्जीज और दूसरे परिंदों की तरह स्टिक पर मीटिंग यानी क्रॉस करने के बजाय जमीन पर या बॉक्स के ऊपर मीटिंग करना ज्यादा पसंद करता है, इसलिए बॉक्स को दरमियान में लगाएं तो ज्यादा बेहतर है। कोशिश करें दाना, पानी और सॉफ्ट फूड का बर्तन स्टिक के नीचे ना हो, वरना लबड़ की बीठे दाने या पानी में गिरेंगे, जिससे लबड़ बीमार हो सकती हैं। अगर स्टिक खाने पीने के बर्तन के बिल्कुल ऊपर है तो स्टिक को साइड पे लगा दें, या फिर दाने पानी के बर्तन के किनारे काट कर बर्तन को ऐसी जगह रखें जहाँ बीठे ना गिरे। पिंजरे की ट्रे की सफाई हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर किया करें। अगली ब्रीड लेने से पहले केज या केज की तारों को धोकर साफ किया करें, फिर नीम के पत्तों को पानी में उबालकर छन्नी से छान लें। इस पानी से केज की सफाई किया करें। अगर आप चाहें तो 1 चम्मच डिटॉल का भी इस पानी में मिक्स कर सकते हैं। इस पानी को आप महीने में 1 बार पूरे शेड में शावर की मदद से छिड़काव किया करें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो महीने में 1 बार वायरा का उनके स्प्रे भी शेड में 1 बार जरूर किया करें। इससे आपका केज वायरस, जरासीम और कीड़े मकोड़ों से महफूज रहेगा। जब बच्चे सेल्फ होकर बॉक्स से बाहर आ जाएं तो अगली ब्रीड लेने से पहले बॉक्स की सफाई भी 1 बार लाजमी किया करें। हर दफा ब्रीड लेने के बाद जितनी नेस्टिंग पर बीठे या गंदगी लगी है उतनी नेस्टिंग बॉक्स से निकालकर नई नेस्टिंग कर दें, या बॉक्स से सारी नेस्टिंग निकालकर नेस्टिंग को सर्फ वाले पानी से अच्छी तरह धोने के बाद नीम के पानी से धोएं। नेस्टिंग खुश करने के बाद बॉक्स में दोबारा रख दें और कुछ नेस्टिंग मटेरियल केज में भी रख दिया करें। अगर लबड़ एक केज में ब्रीड नहीं कर रहा तो केज बदल दें, यानी नीचे वाले पैर को ऊपर वाले केज में शिफ्ट कर दें और ऊपर वाले पैर को नीचे, या फिर किसी नर को किसी दूसरी मादा के साथ और मादा को किसी दूसरे नर के साथ बदल दें। अगर जोड़ा फिर भी नहीं बन रहा तो केज में बॉक्स लगाकर 5-6 दिन के लिए मेल को केज में छोड़ दें, बाद में उसी केज में फीमेल को छोड़ दें, इंशाल्लाह जोड़ा बन जाएगा। अगर लबड़ से कॉलोनी बनाकर ब्रीड लेना है तो कॉलोनी में तमाम बर्ड की उम्र एक जितनी हो, या तो सारे बच्चे हों या फिर तमाम अडल्ट पेयर हों। अगर छोटे और बड़े परिंदे एक साथ कॉलोनी में रखेंगे तो बड़े बच्चे छोटे बच्चों से लड़ेंगे। कॉलोनी में तमाम परिंदे एक ही दिन छोड़ें ताकि लड़ाई ना हो। कुछ लोग कॉलोनी बनाकर 2 या 3 पेयर एक दिन छोड़ देते हैं, कुछ दिन बाद उसी कॉलोनी में कुछ और पेयर छोड़ देते हैं, ऐसा करने से भी लड़ाइयां होती हैं।
वैसे तो लाबड़ के लिए मिक्स दाना भी बाजार से मिल जाता है, लेकिन बाजारी दाने में सस्ती चीजों की मकदार ज्यादा पर महंगी चीजों की मकदार कम होती है, इसलिए दाना खुद तैयार करें तो ज्यादा बेहतर है। ये दाना मैं 5 किलो दाने के हिसाब से तैयार करने लगा हूँ। अगर आपने दाना 10 किलो करना है तो चीजों की मकदार डबल कर दें, अगर 20 किलो करना है तो तमाम चीजों की मकदार 4 गुना कर दें। दाना तैयार करने के लिए जो चीजें चाहिए उनमें चीना यानी मोटी कंगनी 1.5 किलो, बारीक कंगनी 1 किलो, लाल या मोटी कंगनी 1 पाव, लाल बारीक कंगनी 1 पाव, बाजरा आधा किलो, कनेरी सीड 1 पाव, सूरजमुखी के बीज 1 पाव, जई या जौ आधा पाव, झूना यानी चावल वाली मूंजी आधा पाव, कुड़तम आधा पाओ, सरसों के बीज आधा पाओ, भांग के बीज 50 ग्राम, अलसी 50 ग्राम, तारा मीरा 50 ग्राम, सवांग 50 ग्राम। इन तमाम चीजों को मिक्स करने के लिए कपड़ा बिछा लें या कोई बड़ा बर्तन ले लें, उसमें चीना बारीक कंगनी, लाल कंगनी लाल बारीक कंगनी, बाजरा, कनेरी सीड, सूरजमुखी के बीज, जई, मूंजी, कुड़तम, भांग के बीज, सरसों के बीज, अलसी, तारा मीरा डालकर इन तमाम चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। सर्दियों में आप इसमें 50 ग्राम सफेद या काले तिल भी शामिल कर सकते हैं। मिक्स दाने का चार्ट जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें और इसी चार्ट के मुताबिक खुराक तैयार करें। अगर आप मिक्स दाना खुद तैयार नहीं कर सकते तो किसी बल्ड शॉप से बज्जीज या लवबर्ड का मिक्स दाना लेकर वो भी खिला सकते हैं। लाबर से अच्छी ब्रीड लेने के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है। वैसे तो आजकल पैरेट के लिए बाजार में काफी किस्म के विटामिन और कैल्शियम दस्तयाब हैं जो ज्यादातर बल्ड शॉप से ही मिलते हैं। अगर आप चाहें तो वो खरीद कर खिला सकते हैं, लेकिन कुछ कैल्शियम आपको आसानी से हर जगह से मिल सकते हैं। वैसे तो मेरे चैनल पर कैल्शियम ब्लॉक और कैल्शियम वाली मट्टी बनाने की वीडियो मौजूद है, आप वो देखकर मट्टी तैयार कर लें। कैल्शियम बनाने का सस्ता और बेहतरीन तरीका ये है कि समुद्री जा को कूट कर ब्रीक कर लें, उसमें एक अदर कैल्शियम ब्लॉक भी ब्रीक करके मिला दें, फिर उसके अंदर मरिंगा, सौंफ, कलवंजी, काली मिर्च, मेथी और सूंड वाले पाउडर के 3 चम्मच भी मिला दें और 2 चम्मच काले नमक के भी मिला दें। ये मट्टी किसी बर्तन में डालकर केज में रख दें, लाबड़ अपनी जरूरत के मुताबिक खाते रहेंगे। 1 या 1.5 हफ्ते बाद मट्टी तब्दील कर दिया करें। सर्दियों के मौसम में हफ्ते में 2 से 3 दिन और गर्मियों में हफ्ते में 1 दिन अपने लाबड़ को एग फूड जरूर खिलाया करें। एग फूड बनाने के लिए खुश्क रासी या जौ का आटा सबसे बेहतरीन है। रस का हाथ से या ग्राइंडर मशीन से चूरा बना लें, फिर एक अदद अंडा लेकर उसे अच्छी तरह उबाल कर उसका भी चूरा बनाकर इसमें मिक्स कर लें। अगर आप चाहें तो इसके अंदर मरिंगा, सौंफ, कलवंजी, काली मिर्च, मेथी और सूंड वाला पाउडर भी आधा चम्मच मिला सकती हैं। इसके अलावा कटल फिश बॉन यानी समुद्री जाके पाउडर का 1 चम्मच मिक्स करके अपने लबड़ को खिला सकते हैं। एग फूड केज में इतना रखें जितना लबड़ 4-5 घंटे में खाकर खत्म कर दें। एक बात हमेशा याद रखें, जब लबड़ के अंडों से बच्चे निकलें तो कोई भी गर्म चीज एग फूड में मिक्स करके ना खिलाएं, वरना लबड़ अपने बच्चे सेल्फ करने से पहले दोबारा हीट पर आकर ब्रीडिंग पर आ सकता है और पहले वाले बच्चे एक्सपायर हो सकते हैं। सॉफ्ट फूड में मकई के नरम भुट्टा रोजाना आप अपने लाबड़ को खिला सकते हैं। इसके अलावा गंदम, साबत सब्ज मूंग, काले चने, मकई और चावल, इन तमाम चीजों को बराबर मकदार में लेकर मिक्स करके अपने पास रख लें। आपके लाबड़ 1 दिन में जितना सॉफ्ट फूड खाते हैं उस हिसाब से दाना निकाल लें। दाने को पानी से अच्छी तरह धोकर साफ कर लें और पानी डालकर 1 चम्मच सेब का सिरका भी इसमें शामिल कर दें और रात को भिगो कर रख दें। सुबह इन दानों को अच्छी तरह धोकर 2 मिनट के लिए उबाल लें। 2 मिनट का मतलब जब उबाल आना शुरू हो उस वक्त से आगे 2 मिनट काउंट करें। आप इन दानों को साबुत भी खिला सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है आप दानों को थोड़ा सा मैश कर लें। ज्यादा मैश नहीं करना, बस इतना करना है कि दानों के ऊपर से थोड़े से छिलके उतर जाए। ये आप 1 दिन के वक्फे से अपने लबड़ को खिला सकती है। एक पेड़ को इस सॉफ्ट फूड के 3 से 4 चम्मच काफी हैं। अगर बच्चों वाला पेड़ है तो उसे आप थोड़ा सा सॉफ्ट फूड ज्यादा दे सकती हैं। इसके ऊपर आप समुद्री जाग और अंडे के छिलके का पाउडर भी छिड़कर खिला सकती हैं। इसके अलावा इन दानों को स्प्राउट बनाकर भी खिला सकती हैं। स्प्राउट बनाने की वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, वो देखकर स्प्राउट बना लें और अपने लाबड़ को खिलाया करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके लाबड़ के अंडों और बच्चों की एवरेज ज्यादा हो तो ग्रीन फूड और सॉफ्ट फूड परिंदों के लिए बहुत जरूरी है। ग्रीन फूड में आप मेथी, लहसुन, सलाद के पत्ते, पुदीना के पत्ते, पालक के पत्ते, इसके अलावा नीम के दरख्त के पत्ते भी खिला सकती हैं। सब्जियों में आप कद्दू, किया कद्दू, चुकंदर, गाजर, बंद गोभी, रवाई और लोबिया की फलियां, मटर, किया तोरी, भिंडी और टिंडे, जो सब्जियां भी आपको मौसम के हिसाब से दस्तयाब हों खिला दिया करें। इसके अलावा आप खीरा, तरबूज, अमरूद और सेब वगैरह भी खिला सकते हैं। तमाम सब्जियों को आप अलग अलग भी खिला सकते हैं और 3-4 सब्जियां मिक्स करके भी खिला सकते हैं। सब्जियों को अच्छी तरह धोकर ब्रीक काट लें। 1 दिन खीरा, कद्दू, सलाद के पत्ते, चुकंदर यानी जो चीजें भी आपको आसानी से मिल जाएं काटकर मिक्स करके खिला दिया करें। अगले दिन को दूसरी सब्जियां काटकर खिला दिया करें। सब्जियों को आप जितना ब्रीक काटेंगे परिंदे उतनी आसानी से खाएंगे। मैंने तमाम किस्म के सॉफ्ट फूड, ग्रीन फूड और एग फूड को अलग अलग बनाने और उनको खिलाने का तरीका इसलिए बताया है
क्योंकि बाज लोग तमाम चीजें इकट्ठी फोड़ नहीं कर सकते। कुछ ना खिलाने से तो बेहतर है कुछ ना कुछ रोजाना खिलाया जाए। शॉर्ट फूड खिलाने का बेहतरीन तरीका यह है कि आपको जो भी तीन चार सब्जियां मिल जाएं उनको काट कर बारीक कर लें, साथ एक आध पत्तों वाली सब्जी भी जरूर शामिल किया करें। इसके बाद उबले हुए अंडे को भी कश कर लें, पर भीगे हुए नरम दाने लेकर इन तमाम चीजों को मिक्स करके इसके अंदर मोरिंगा, सौंफ, काली मिर्च, मेथी और सोंड वाली पाउडर का आधा चम्मच भी मिला दें। अगर आप चाहें तो समुद्री जाके पाउडर का एक चम्मच भी इसमें मिला सकते हैं। तमाम चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लें, ज्यादा मिक्स करके कचूंबर ना बनाएं, बस हल्का सा मिक्स करना है ताकि सब्जियां पानी ना छोड़ें। ये सॉफ्ट फूड सर्दी हो या गर्मी हर मौसम में रोजाना अपने लाबड़ को खिला सकते हैं। आपके परिंदे हमेशा सेहतमंद होंगे, अंडे बच्चे देने के एवरेज में इजाफा होगा। अगर आपके लाबड़ सॉफ्ट फूड नहीं खाते तो सुबह के वक्त दाना केज से निकालकर सॉफ्ट फूड रख दिया करें, लाबड़ खुद ही खाना शुरू कर देंगे। एक दो घंटे बाद दाना भी केज में वापस रख दिया करें। एक बात हमेशा याद रखें, जिस बर्तन में सॉफ्ट फूड दें वो बर्तन रोजाना धोया करें। एग फूड, सॉफ्ट फूड और ग्रीन फूड परिंदों को खिलाने का बेहतरीन वक्त सुबह का होता है। किसी भी किस्म का सॉफ्ट फूड परिंदों को इतनी मकदार में दें जितना वो तीन चार घंटे में खाकर खत्म कर दें। अगर लाबर्ड सारा सॉफ्ट फूड ना खा सकें तो जो चार पांच घंटे बाद बच जाए वो केज से उठाकर जाया कर दें, क्योंकि ज्यादा देर सॉफ्ट फूड केज में रहने से सॉफ्ट फूड खराब हो जाएगा, उसमें फंगस पैदा होने का खतरा होता है जिसको खाने से परिंदे बीमार हो सकते हैं। कोशिश करें लाबड़ के कमरे का टेम्परेचर 24 से 32 सेंटीग्रेड तक हो, शेड में हवा का क्रास हो, हवा में नमी का तनासब 50 से 70 तक हो। कोशिश करें मास्टर केज यानी बड़ा पिंजरा बनाकर उसके अंदर छोटे केजेस में लाबड़ को रखें। मास्टर केज नहीं है तो फिर कोई ऐसा कमरा हो जहां खिड़कियां लगी हो, हवा का क्रास हो और सूरज की रोशनी सुबह या शाम के वक्त आती हो। मास्टर केज का ये फायदा है कि अगर कोई परिंदा छोटे केज से निकलकर बाहर आ भी जाए तो मास्टर केज या कमरे में ही रहेगा। सर्दियों में मास्टर केज को या कमरे की खिड़कियों को प्लास्टिक कागज से ढांप दें, और जब सर्दियों में दोपहर के वक्त धूप निकले तो प्लास्टिक कागज उतार कर हवा का क्रॉस कराया करें। केज ऐसी जगह हो जहां कोई कुत्ता, बिल्ली, मच्छर या छिपकली वगैरह इनको तंग ना करे। गर्मियों में शेड के एक तरफ एयर कूलर लगाए और दूसरी तरफ कोई एग्जॉस्ट फैन हो या कोई रोशनदान या कोई खिड़की लगी हो जिससे हवा बाहर चली जाए। गर्मियों में दोपहर की गर्म धूप और गर्म हवा से परिंदों को बचाकर रखें। गर्मियों के मौसम में परिंदों को सुबह के वक्त इलेक्ट्रोलाइट या ORS पानी में मिक्स करके पिलाया करें। दोपहर के बाद पानी तब्दील करके सादा पानी रख दिया करें। इसके अलावा गर्मियों के मौसम में तरबूज, खीरा और कद्दू एक दो दिन के वक्फे से जरूर खिलाया करें। गर्मी को कंट्रोल करने के लिए छत पर थर्मोपोल की शीट लगाएं, या फिर सस्ता हल ये है कि छतों को पानी से अच्छी तरह धोकर कमरे की बाहर वाली दीवारों और छतों पर सफेद चूना यानी कली या फिर सफेद सिमट कर दें। सफेद रंग रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है जिससे छत और दीवारें ठंडी रहती हैं। अगर आपका शेड ऐसी जगह है जहां तेज धूप डायरेक्ट शेड में जाती हो या धूप की वजह से शेड में ज्यादा गर्मी हो तो जिस साइड पर दोपहर के वक्त धूप आती है उस साइड पर किसी बड़े गमले या क्यारी में सब्ज पत्तों वाली ग्लो की बेल लगा दें। ये बहुत जल्द बड़ी होती है और इसकी छांव ठंडी होती है। ग्लो की बेल ना मिले तो इश्क पेचा या बुगेन वेल की बेल लगा लें, इन पर खूबसूरत कलर के फूल लगते हैं और ये बहुत जल्द बड़ी होती है। और अगर आपका शेड कमरे के अंदर है तो गमलों के अंदर इंडोर पौधे लगाकर शेड के अंदर रखा करें। अगर आप कैल्शियम, खुराक और टेम्परेचर का अच्छे से ख्याल रखें तो सारा साल लाबड़ से ब्रीड ले सकते हैं, लेकिन लाबड़ की अच्छी सेहत के लिए बेहतर यही है आप साल में 3 से 4 महीने लाबड़ को रेस्ट जरूर दिया करें। ब्रीडिंग सीजन में जिन परिंदों से ब्रीड लेना है उनको बिला वजह किसी भी किस्म का एंटीबायोटिक कोर्स न करवाएं, इससे परिंदे कमजोर हो जाते हैं। ब्रीडिंग के वक्त रात 8 से 10 बजे तक बल्ब के केज के पास रोशनी वाला बल्ब जलाकर रखें ताकि लाबड़ अपने बच्चों को कम से कम 12 घंटे तक फीड करवा सकें। रात 8-10 बजे बड़ा बल्ब बंद करके 0 वाला बल्ब जला दें ताकि अंधेरे की वजह से परिंदे डरे नहीं। अगर मादा बॉक्स से बाहर आ भी जाए तो वापस बॉक्स में जाकर अंडों पर बैठ सके। अगर सारी रात शेड के अंदर रोशनी रखेंगे तो परिंदे जागते रहते हैं, उनकी नींद पूरी नहीं होती जिससे परिंदे कमजोर होकर बीमार हो सकते हैं। जब बच्चे बड़े होकर बॉक्स से बाहर निकलते हैं तो 10 से 15 दिन तक बच्चों को उनके माँ बाप के साथ रहने दें। जब खाना पीना सीख लें तो उनको सेल कर सकते हैं। अगर अपने पास रखने हैं तो फौरन बच्चों को किसी बड़ी कॉलोनी में बड़े बच्चों के साथ न छोड़ें, वरना छोटे बच्चे डर कर कोने में बैठे रहते हैं, दाना कम खाते हैं जिससे बच्चों के एक्सपायर होने का खतरा होता है। इसलिए शुरू में कम से कम 1 महीने के लिए छोटे कॉलोनी नुमा केज में हम उम्र बच्चों के साथ रखें। बड़ी कॉलोनी में रखने से इनका साइज और सेहत बहुत अच्छी रहती है। जब ब्रीडिंग सीजन ऑफ होता है तो जिन पेयर के बच्चे सेल्फ हो जाते हैं उनके बॉक्स उतारते जाएं। तमाम पेयर को उनके केज में ही कम से कम 10 से 15 दिन तक रहने दें। जब आप सारे ब्रीडर पेयर के बॉक्स उतार लें तब उनको एक साथ एक ही दिन किसी बड़े केज या कॉलोनी में छोड़ें ताकि उनकी आपस में लड़ाइयां ना हो। अगर कॉलोनी में आपको कोई परिंदा बीमार नजर आए तो फौरन उसे किसी दूसरे केज में सेपरेट करके इलाज शुरू कर दें। बहुत से नए शौकीन ये गलती करते हैं कि लाबड़ के पट्टे खरीद कर उनकी दिलो जान से हिफाजत करके पाल पोस कर बड़ा करते हैं। जब बच्चे ब्रीडिंग के लिए तैयार होते हैं या तो फीमेल ज्यादा निकल आती हैं या मेल ज्यादा निकल आते हैं। उस वक्त ब्रीडिंग सीजन में आप अडल्ट मेल या फीमेल किसी से लेने जाएंगे तो आपको ब्रीडर पेयर कोई भी नहीं देगा। इसलिए जब लाबड़ खरीदें तो DNA करवाकर जोड़े पूरे कर लिया करें ताकि बाद में परेशानी ना हो।
जो लोग बहुत माहर होते हैं वो भी सिर्फ अडल्ट पेयर में हड्डी के जोड़, दुम की शक्ल और दूसरी निशानियां देखकर अंदाजों और तुक्कों से मेल और फीमेल का बताती हैं। लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। लेकिन 3-4 महीने के बच्चों में मेल और फीमेल का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है। लवबर्ड बहुत कम बीमार होते हैं। ज्यादातर इनमें आंखों की बीमारी आती है, जो केज में हवा का क्रॉस ना होने या हबस होने या आंखों में नेस्टिंग मटेरियल का तिनका लगने, डस्ट पड़ने या मच्छर काटने की वजह से भी हो सकती है। इसके आसान इलाज की बात करें तो आप बोरी केसड आंखों में डालकर फिर हरके गुलाब से आंखों को धोकर जंटा माइसिन या कोई भी अच्छा सा आई ड्रॉप आंखों में डाल दें। 4-5 दिन ऐसा करने से आंखें ठीक हो जाएंगी। दूसरी बीमारी लूज मोशन की है, जिसके इलाज के लिए विब्रा माइसिन का 1 कैप्सूल 1 लीटर पानी में मिक्स करके उस पानी में लेसोविट सिरप और फ्लैजल सिरप के 2-2 ड्रॉप डालकर वो पानी सुबह को केज में रख दें। ये कोर्स भी आपने 4 से 5 दिन तक करवाना है। साल में एक मरतबा परिंदों की डी वार्मिंग भी जरूर करवाएं। डी वार्मिंग के लिए जेंटल या कोई भी डी वार्मिंग की दवाई 1 लीटर पानी में 5 ml मिक्स करके सुबह के वक्त केज में वो पानी रख दें। डी वार्मिंग 6 महीने बाद या साल में सिर्फ एक मरतबा करवाना है, ताकि इनके पेड़ के कीड़े मर जाएं। डी वार्मिंग बहुत ज्यादा गर्मी के महीनों में हर किसी ना करवाएं। इसके अलावा जुएं या रेड माइट्स पड़ने की वजह से परिंदे खारिश करते रहते हैं। परिंदों को पकड़कर मुंह और आंखें बचाकर परिंदों को परों के नीचे कोपेक्स पाउडर लगा दें। इंशाल्लाह जुएं एक ही दिन में खत्म हो जाएंगी। अगर लड़ाई की वजह से कोई परिंदा जख्मी हो जाए तो पायोडीन लगा दें, या फिर हल्दी को सरसों के तेल में मिक्स करके पेस्ट बना लें और जहां वाली जगह पे लगा दें। अगर कोई परिंदा ज्यादा बीमार है, खा पी नहीं रहा, तो दिन में 3 से 4 मरतबा हैंड फीड करवाकर मेडिसिन इस्तेमाल करवाएं। अगर कोई पेड़ अंडे अनफर्टाइल दे रहा है तो उस पेड़ को 1 महीने की रेस्ट दें। दरमियाने साइज का आधा प्याज लेकर उसे हल्का सा कूट कर 1 लीटर पानी में रात को भिगोकर रख दें। सुबह वो पानी छान लें। कोशिश करें हफ्ते में 2 से 3 दिन हर किस्म के बर्ड को ये पानी पिलाया करें। इंशाल्लाह अंडे अनफर्टाइल नहीं होंगे। और ऐसे परिंदों को हफ्ते में 2 से 3 दिन स्पार्क भी इस्तेमाल करवाया करें। एक बात हमेशा याद रखें, अपने परिंदों को बला वजह कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल ना करवाया करें। अपने सेहतमंद परिंदों से ज्यादा ब्रीड लेने के चक्कर में दवाइयां खिला खिला कर परिंदों को और उसके आने वाली नस्लों को कमजोर ना करें। खुदा के लिए परिंदों पर रहम करें। अगर आपने लवबर्ड से अच्छी ब्रीड लेनी है तो आप नेचुरल गिजाएं ज्यादा इस्तेमाल किया करें। दाना पानी साफ सुथरा दिया करें। सॉर्ट फूड, एग फूड, ग्रीन फूड, सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा किया करें। ऐसा ना हो कि आपने एक दिन सॉर्ट फूड खिला दिया, बाद में जब आपका दिल किया 4-5 दिन के वक्फे से दोबारा सॉर्ट फूड दे दिया। अगर आपने लवबर्ड से अच्छी ब्रीड लेना है तो सॉर्ट फूड, ग्रीन फूड और एग फूड की एक रूटीन बना लें और रोजाना खिलाया करें। रही बात परिंदों को सेल करने की, तो बर्ड शॉप वाले परिंदे आधी कीमत पर खरीदते हैं और डबल कीमत पर फरोख्त करते हैं। अगर आपके बर्ड की क्वालिटी अच्छी है तो फेसबुक पर परिंदों के ग्रुप्स या ओलेक्स पर एड लगाकर सेल करें, या किसी बड़े ब्रीडर से रابطہ कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन ऑल कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।